हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं कांडा मेला, जो श्रीनगर से कुछ ही दूरी पर है। तो वहाँ हर साल लगता है कांडे का मेला, तो हम भी वहाँ जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं मेला क्यों फेमस है। और ये मेला हर साल लगता है दिवाली के दूसरे दिन। तो अभी हम हैं पेट्रोल पम्प में, यहाँ से हम तेल भराते हैं और फिर निकलते हैं मेले की ओर। और आप यूँ ही बने रहिए और देखते रहिए हमारे साथ उत्तराखंड का फेमस कांडा का मेला, जो कि पड़ता है पौड़ी गढ़वाल में। चल पड़े हैं तो अब हम रुक गए एक दुकान पे और यहाँ से लेते हैं पूजा की सामग्री मंदिर में चढ़ाने के लिए। चलो, हमने ले लिया सामान, अब हम चलते हैं मंदिर। ये रही हमारी स्कूटी और वो गए हैं एक चुन्नी लेने के लिए माता रानी का। दोस्तों, यूँ ही हम चलते जा रहे हैं और हम जा रहे हैं अभी कीर्ति नगर के रास्ते, नीचे के रास्ते, क्योंकि एक रास्ता ऊपर पौड़ी के रास्ते जाता है और एक नीचे जो कीर्ति नगर वाला है वहाँ से भी जाते हैं। तो हम कीर्ति नगर के रास्ते जा रहे हैं और यहाँ से जो रोड ऊपर को जा रही है वहाँ से हमने जाना है ऊपर को। तो ये रोड मिलेगी देहलचौरी में, तो वहाँ से ऊपर एक कांडा गाँव है, वहीं पर जाना है। तो चलते हैं, देखो यहीं से भीड़ स्टार्ट हो गई है, सारे लोग वहीं जा रहे हैं। खुशबू, मेरी देश भूमि, मातृ भूमि, खुशबू कितनी अच्छी खुशबू है। इसके सामने सारे परफ्यूम फेल है। लोग अभी जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। पहुँच चुके हैं हम कांडा के नीचे, मंदिर के नीचे। देखो इतनी भीड़, भयंकर भीड़ हो रखी है। मंदिर हो रहा है ऊपर और पार्किंग का है यहीं पे। चलो अब हम पैदल रास्ते लग गए हैं। चलो यासीस है, पुनिया है। यहाँ देखो, आप समय बोल कर गए थे, कोई बचने नहीं है भगत। ये देखो, और यहाँ पे हम पहुँच गए मंदिर के गेट पे। ये रहा मंदिर का गेट, एंट्री गेट। यहाँ पे हर वर्ष माता के दर्शनों के लिए इस स्थान पर कांडा का मेला या मंजू घोष मेला का आयोजन किया जाता है। और यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी शॉपिंग। तो यहाँ पे है मंगलसूत्र वगैरह की शॉप, चूड़ियों की शॉप, अलग अलग स्टॉल लगाए हैं। यहाँ पे है थोड़ा आगे जाके पायदान की शॉप लगाई हुई है, गरम स्टॉल की है, सॉल्स हैं। देखो नीचे चीड़ी चूड़ी बिंदी की शॉप लगी है। कोई मिठाई खा रहा है, कोई जलेबी खा रहा है, तो मस्त नज़ारा। तो मेले में कोई चूड़ी ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। यम यम जलेबी, मिठाइयाँ, तरह तरह की मिठाइयाँ। हमने ले लिया माता रानी के लिए चुन्नी। तो दोस्तों आप देख सकते हो पीछे कितनी भयंकर लाइन लगी है मंदिर में जाने की। तो हम भी चलते हैं अब लाइन में लगते हैं और फिर माता रानी के दर्शन करते हैं।
तो आप भी चल रही है हमारे साथ और दर्शन कीजिए। ये हम लग गए हैं लाइन में और हमारा नंबर भी आने वाला है। दोस्तों हम आ गए हैं मेन मंदिर से दर्शन करके। वहाँ पे फ़ोटो तो अलाउड नहीं था इसलिए मंदिर की मूर्ति तो आपको दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन आप बाहर से ये मंदिर को दर्शन कर सकते हैं और आशीर्वाद ले सकते हैं। और यहाँ पे चल रहा था एक टाइप का गेम, वहाँ ऊपर पे जो सिक्का फेंकेंगे माता रानी की फ़ोटो पे उसकी विश होगी पूरी, तो सब यहाँ पे सिक्के फेंक रहे थे। एक तरफ से यहाँ पे एक गेम का माहौल बन गया था, देखो जिसका सिक्का वहाँ ऊपर पहुँचा उसकी होगी मनोकामना पूरी। तो हम सब के सब यहाँ पे आजमा रहे थे अपनी किस्मत। तो दोस्तों अब हम खाते हैं खाना, क्योंकि हमने सुबह से व्रत ले रखा है, मंदिर में दर्शन करने के बाद ही खाना खाएंगे। तो हम अपने लिए खाना लेके आए हैं घर से, तो जल्दी से खाना खाते हैं और तब तक आप व्यू का आनंद लीजिए। चलो अब घूमते हैं मेले। इसलिए हमने प्यारी प्यारी सी चूड़ियाँ, ये हैं गाँव के निशान जो हर गांव से आते हैं मंदिर पर चढ़ाने के लिए। वो मंदिर है साइड। देखो वहाँ पे माल्टे भी हैं रखे हुए। तो दोस्तों ये था आज हमारे मेले का ब्लॉग, होप यू लाइक दिस। और घर जाते जाते हमें फिर से लग गया था जाम, कम से कम एक घंटे का जाम लगा है ये, और फिर जाके हम कहीं घर पहुँचे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।